सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ न्यू वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको किस प्रकार से न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड बनाने के बारे में वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं उसी वीडियो के माध्यम से जो मैं अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वही वोटर आईडी कार्ड मेरा बन चुका है। तो गाइस, किस प्रकार से मैं अपना वोटर आईडी कार्ड को मैं डाउनलोड कर सकता हूं, आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूं कि गाइस आप किस प्रकार से अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, जानने के लिए बने रहेंगे इस वीडियो को एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है nbsp.in। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं टैप कर चुका हूँ nbsp.in। लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। गाइस, क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स को दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम लोगों को न्यू वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ईपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो गाइस, जिससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर बना है या फिर नहीं बना है। तो गाइस, अपना वोटर आईडी कार्ड को देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वोटर पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले अपना जो भी न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए जो अप्लाई करने के लिए अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को आप क्रिएट करते हैं, पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली इस वाले कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है। सो गाइस, अपना वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो भी वोटर आईडी कार्ड के लिए जो मैं अप्लाई किया था यहाँ पर पूरा स्टेप को पार कर चुका है। स्टेप पार करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एपिक जनरेटेड नंबर यहाँ पर आ जाता है। तो गाइस, आपको सिंपली इस वाले नंबर को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे साइन आउट पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर एपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर आपको मांगा जाता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है तो गाइस आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर एज न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पहले से यूजर आईडी यहाँ पे पासवर्ड मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अगर आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को बनाने में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो गाइस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगा कि आप किस प्रकार से इसमें आप पासवर्ड को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड को बनाने के बाद आपको सिंपली इस वाले कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर होम वाले पेज पर आप आ जाएंगे। पेज पर आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एपिक डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस, क्लिक करने के बाद आपके पास अब इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एपिक नंबर, के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोरम रेफरेंस नंबर। तो आप जो भी यहाँ पर एपिक नंबर को अपना कॉपी किया है इसमें आपको पेस्ट कर देना है। एपिक नंबर डालने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेट। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं गाइस यहाँ से अपना स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से यहाँ पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी सेंड सक्सेसफुल। तो गाइस, जो भी अपना मोबाइल नंबर को आप इसमें रजिस्टर करते हैं उसमें आपका ओटीपी को सेंड किया गया है। तो गाइस, आप सिंपली उस ओटीपी को इस बॉक्स के अंदर आपको फिलअप कर देना है। सो गाइस, ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी वेरिफिकेशन डॉन सक्सेसफुल। तो गाइस, आपका ओटीपी सक्सेसफुल होने के बाद आपको सिंपली इस वाले कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर आपको फिलअप कर देना है। सो गाइस, कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड एपिक वाले ऑप्शन के ऊपर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लेगा, तो गाइस यहाँ पर आपको फुल प्रोसेसिंग होने देना है। तो गाइस, फुल प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे डाउनलोड होने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस, आपको
सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकती हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड इस प्रकार से यहाँ पर डाउनलोड होके आ चुका है। तो गाइस ऐसा करता हूँ कि अब अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड को आप इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो में बताया हुआ जानकारी अगर आपको अगर पसंद आया होगा तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। सो गाइस चलते हैं, तब तक के लिए बाय।